সবার রাস্তা হয়েছে মানে আমার এই দুয়ারে রাস্তা হয় না আর আমাদের ফ্যামিলি আছে 30 জন। आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान आसनसोल नगर निगम के 95 नंबर वार्ड के लोगों की परेशानियों से अवगत हुई। अपने क्षेत्र की विधायक को अपने बीच पाकर इलाके के महिला और पुरुष उनके पास एकत्रित हो गए और पानी, स्ट्रीट लाइट एवं ड्रेनिंग की समस्या को MLA के सामने रखा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस वार्ड के ज्यादातर लोग BJP समर्थक है, इसलिए आसनसोल नगर निगम इन्हें परिसेवाओं से वंचित रख रहा है। उन्होंने कहा कि वे आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से इस मुद्दे पर बात करेंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि इस वार्ड की समस्याओं का समाधान करे। आसनसोल दक्षिण विधानसभा 95 नम्बर वार्डे এবং এখানে এসে আপনারাও দেখলেন যে সাধারণ মানুষ, স্পেশালি মহিলারা, বাড়ির সাধারণ মহিলারা রান্না বান্না ছেড়ে দিদিভাই আসছে শুনেই তারা চলে এসেছে এবং এসে তারা তাদের ক্ষোভ জানিয়েছে। আজকে রাস্তা হয়নি, অন্য রাস্তা হয়েছে, কিন্তু সেখানে যদি BJP সাপোর্টার একটু বেশি থাকে তাহলে সেখানে এই কর্পোরেশন মানে TMC-র চালিত কর্পোরেশন তারা রাস্তা বানিয়ে দেয়নি। রাস্তা কাঁচা রাস্তা আর তার উপর দিয়ে ড্রেনের জল যাচ্ছে, ড্রেনের জল এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী এসে কমপ্লেন করে গেল যে দিদি ডেঙ্গু নিয়ে কাজ করছি আমরা স্বাস্থ্যকর্মী, কিন্তু বাড়ির সামনে এক কোমর জল, সারা বছর জল দাঁড়িয়ে থাকে, ডেঙ্গু হবে না তো কি হবে। আজকে রাস্তার লাইট নেই, ড্রেন বানানোই হয়নি, ছোট ছোট বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন জুতো মোজা হাতে নিয়ে তাদের ক্রস করতে হয়। কোটি কোটি টাকা আসানসোল কর্পোরেশন পাচ্ছেন। আমি এই এই যে ক্ষোভ, এই যে প্রবলেমসগুলো নিয়ে আমি মেয়র সাহেবের কাছে যাব, আবেদন করব, যদি কাজ না হয় আমরা আন্দোলনে বসব। गुरुवार की सुबह दुर्गापुर के काक्सा थाना अंतर्गत बिरुडीहा बस स्टैंड से कटवा के एक व्यवसायी संतोष दे को रेल पार के चार लोगों ने अगवा कर लिया था, लेकिन जामुड़िया थाना की श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया और व्यवसायी को उनके चंगुल से छुड़ाकर चारों आरोपियों के साथ काक्सा थाना पुलिस को सौंप दिया था। आज यानी शुक्रवार को चारों आरोपी मोहम्मद अरमान, मोहम्मद आफ्ताब, हुसैन साहिद अंसारी और हिकमत रसूल को दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया गया। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR School. Smart education. स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेन्स, JEE एडवांस, WBJEE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँ कि फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम में वार्ड नंबर 28 में लंबे समय से मांग की जा रही गरुई नदी के किनारे वॉल गार्ड निर्माण कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। बता दें कि रेल पार के क्षेत्र में वॉल गार्ड फजरुल रहमान ब्रिज से लेकर इकबाल सेतु ब्रिज तक 82 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वॉल गार्ड के निर्माण के लिए उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया गया था, जहाँ आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, बोरो 3 के चेयरमैन उत्पल सिन्हा, वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर, वार्ड नंबर 24 की तृणमूल कांग्रेस पार्षद फंसाबी आलिया, तृणमूल महिला कांग्रेस ब्लॉक 2 की अध्यक्ष कविता यादव, वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा, वार्ड नंबर 28 के तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट बाबू तबरेज, मास्टर शकील अहमद, युवा नेता अरबाज हासिम और तमाम TMC नेताओं के साथ क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
আজকে এই গাডওয়াল আসানসোল পুরসভাকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো। এই এলাকায় বারবার আমরা দেখেছি ফ্লাড হয়েছে এবং এই যে নদী এইখান মাঝখান দিয়ে গেছে, এটা লাইফ লাইন হলেও এটা আমাদের রেলপারের লাইফ লাইন, কিন্তু আমরাই এই অঞ্চলটাকে খারাপ করে দিই। हम लोग सबको आज इस बात का गवाह बन रहे हैं कि यहाँ पे आसनसोल कॉरपोरेशन के जानिब से ग्यारहवीं नदी के साइड में बाढ़ के सैलाब में जो मुसीबत होता है उससे बचाव के लिए 187 लाख से गार्डवाल का काम किया जा रहा है। सलानपुर क्षेत्र में ईसीएल के बेंजीमारी कोलियरी की कोयला खदान में एक पोकलैंड कार में भयानक आग लग गई। शुक्रवार की सुबह पोकलैंड कार में आग लगी थी जिसे ईसीएल के पानी के टैंकरों द्वारा बुझाया गया। बता दें कि इस खदान से कोयला निजी कंपनी डेकोर द्वारा उठाया जाता है। ये पोकलैंड कार उसी कंपनी की थी। प्रारंभिक जाँच में ये पाया गया कि यांत्रिक खराबी के कारण पोकलैंड कार में आग लगी थी। कुछ घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया।